हेलो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें आप है ना चार तरह के आइटम भर सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है इस पाउच का, बॉटल शेप पाउच बोलते हैं इसको। ये 100ml 200ml तक आता है ये, और एक ही मशीन लगाने से आप कम से चार तरह का, चार पांच तरह का प्रोडक्ट आप पैक कर सकते हैं। एक कप कार्ड भी है इसमें, कप कार्ड और कॉइल लगा के भी जूस पैक कर सकते हैं। ये भी मार्केट में 10 रुपये तक बिकता है, और इसमें आप जूस को बॉटल भर सकते हैं, जूस बॉटल, और इसमें वाटर भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप दिखा दें किस तरह से वर्क। इस तरह से पाउच उठा के बराबर नोजल में लगाना है, नोजल के सेंटर में, और इसे फिलिंग के लिए यानी काफ़ी अंदर तक पुश करके लगाना होता है जो पाउच गिरे नहीं करके, और फिर स्टार्ट बटन दबा के फिलिंग को स्टार्ट करना है। फिलिंग होने के बाद पाउच को लेके सीलिंग से, हैंड सीलिंग से सील करना है, और ये सील प्रॉपर हो गया। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू आपको करना है। इसे चलाना काफ़ी आसान है, और इसे हर घर में लेडीज़ हो, बच्चे हो, इसे चला सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें वेट देखिए, वेट किस तरह से कम ज़्यादा किया जाता है इस कंट्रोलर में दिया है कि आपको कितना फील करना है, आपको उस तरह से आप उसमें वेट सेट कर सकते हो। दोस्तों, ये मशीन से आप चार तरह का प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं। आप इसमें बॉटल शेप पाउच पैक कर सकते हैं, फील और सील, और इसमें कप कार्ड ग्लास वो फिल करके फॉइल लगा के सील कर सकते हैं। इसमें आप इसमें जूस का 100ml से लेकर 200ml बॉटल फिल कर सकते हैं, और इसमें आप पानी का बॉटल भी फिल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और कम से कम लो बजट का बिजनेस है। अभी जैसे कि हमारा बॉटल शेप का ये नोजल दिया हुआ है, तो इसमें दो नोजल है, एक तो ये बॉटल वगैरह भरने के लिए ये नोजल है, और बॉटल पाउच भरने के लिए ये नोजल है। तो अभी इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, अभी इसमें आपको दिखाएंगे कि अपना बॉटल कैसे भरी जाती है। देखिए, इस तरह से इसे ग्लास को इस ब्रैकेट में रखना है, और ब्रैकेट में रखने के बाद फिलिंग स्टार्ट करना है। आपका फिलिंग हो जाने के बाद इस पर फॉइल रखना है, फॉइल सही राउंड जो होता है उसका कॉलर उस तरह बराबर से रखना है, और सीलर में रखकर इसे सील करना है। ये काफ़ी इजी है, ये हर कोई कर सकते हैं। और इसमें आपको ml जो भी सेट करना है, वहाँ टाइमर दिया हुआ है, उस टाइमर में आप अपना वेट जो भी है आप सेट कर सकते हो। यानी काफ़ी इजी प्रोसेस है, इसे हर घर में हर कोई भी चला सकता है, बच्चे हो गए, लेडीज़ हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो भी इसे चला के अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये सभी मशीन है, और इसके सारे प्रोडक्ट जो भी है, पाउचेस, फॉइल हो गए, ग्लास हो गए, और फ्लेवर वगैरह हो गए, ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मार्केट में ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। इसे इस बिजनेस से हर लोग दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। देख रहे, ये बॉटल काफ़ी इजी तरह से लगाना है इसे, और जितना ml चाहिए उतना ml आप सेट कर सकते हो। 100ml, 200ml, 500ml तक आप इसमें फिल कर सकते हो, 1 लीटर तक भी आप फिल कर सकते हो। बॉटल आपको फिल करने का, तो इसके जो कैप्स आते हैं वो आपको लेना होगा, और कैप्स टाइट करने का भी हैंड कैप सीलर आता है, आप हैंड से भी कर सकते हो कैप को सील, और हैंड मोटराइज भी आता है, आप उससे भी कर सकते हो। अगर ये मशीन आपको लगाना है तो आपको क्या क्या चीज़ लेना होगा। पहला नंबर आपको फिलिंग मशीन लेना होगा, जो 100ml से लेके आपको 1 लीटर तक फिल करेगी। दूसरा आपको लेना होगा हैंड सीलिंग मशीन, जो आपके पाउचेस, बॉटल से पाउचेस को सील करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको लेना होगा एक हैंड फॉइल सीलिंग मशीन, ठीक है। ये 3 मशीन हो गया, और इसके साथ जो ब्रैकेट आता है वो भी आपको लेना होगा, जो ग्लास के ब्रैकेट होते हैं जिसमें ग्लास के ऊपर सील फॉइल रख के सील होता है, वो भी ब्रैकेट आपको लेना होगा। और उसके बाद आपको ये मशीन लेने के बाद आपको फिर पैकेजिंग मटेरियल भी लेना होता है, जैसे कि बॉटल शेप पाउचेस, ये 90 पैसे आपको पड़ते हैं। फिर ग्लास हो गया, कप कार्ड के ग्लास लेना होता है, ये मार्केट में 1 रुपये का ग्लास पड़ता है, और इसका रहता है फॉइल जो ग्लास के ऊपर सील होता है, वो आपको 80 पैसे तक मिल जाता है फॉइल। और उसके बाद आपको बॉटल लेना होता है, जो बॉटल 2 रुपये तक पड़ती है मार्केट में, और ढक्कन उसके 50 पैसे तक पड़ते हैं। और उसके बाद आपको फ्लेवर लेना होता है, जिस टाइप का आपको फ्लेवर चाहिए,
जैसे कि मैंगो हो गया, लीची हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जलजीरा हो गया, जिस तरह का आपको फ्लेवर पैक करना है उस तरह के आपको फ्लेवर ले। फ्लेवर आपको मार्केट में 120 से लेके 200 के अंदर तक आपको फ्लेवर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ना डालें, कोई भी इसे मिसयूज़ कर सकता है। धन्यवाद।